संजय तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं जीजा जी इसी वजह से घर छोड़कर तो नहीं चले गए। अरे भाई अगर वो इसी घर में रहते और अपने इस फैसले के बाद तुम्हारी नजरों में उनकी इज्जत क्या रह जाती? क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं? अब घर की बात है, घर में ही रहे तो अच्छा है। उसने बचपन से क्या सीखा है मुझे नहीं मालूम। इन माँ की बच्ची है, जब इस घर में बहू बनकर आएगी तो संस्कार भी सीख जाएगी। अरे जीजी आप भी ना। अच्छा भांजे एक बात बताओ, तुमने शिवानी देखी है ना, कैसी लगी? भाई मुझे नहीं लगता कि इतनी मॉडर्न लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाना चाहिए। अरे जीजी हम विकास की शादी करेंगे लेकिन देख सुनकर, सोच समझ कर। जल्दीबाजी का ये मतलब नहीं हम किसी भी लड़की को लाकर इस घर की बहू बना दें। तुमने उसे पहली बार देखा है। जब से तुम दोबारा यहाँ रहने आए हो ना, उसके पहले ही अनिकेत के पापा ने शादी की बात चलाई थी। शिवानी उन्हें पसंद भी थी। अरे जीजी अब किसे पता इसमें सच्चाई क्या है? जीजा जी ने वकील साहब का मन रखने के लिए हाँ की थी या वाकई में लड़की पसंद थी? मामा जी मुझे नहीं लगता कि हमें इस मुद्दे में पढ़ने की जरूरत है। ये फैसला माँ का होना चाहिए और विकास ही इस फैसले पर मोहर लगा सकता है कि शिवानी उसकी पत्नी बनने के लायक है या नहीं। अरे विकास हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, शिवानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कुछ समझा नहीं मॉम। भंजे जी जी शिवानी से तुम्हारी शादी करवाना चाहती है वकील साहब की बेटी के साथ, लेकिन फैसला तुम्हें करना बेटा। मॉम मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज नहीं है। मोहन काका श्वेता आ गई? नहीं मालकिन। हेलो। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। एक खुशखबरी सुनानी थी। कैसी खुशखबरी? मैंने आपको बताया था ना, उनके एक दोस्त अपनी बेटी के साथ आने वाले हैं। हाँ हाँ। दरअसल वो एक वकील है। अनिकेत के पापा ने घर छोड़ने से पहले वसीयत उन्हीं से बनवाई थी। वसीयत? हाँ, और तसल्ली की बात यह है कि वसीयत में उन्होंने काम्या और श्वेता को भी वो अधिकार दिया है जो अधिकार अनिकेत और विकास को दिया है। क्या? हाँ, उन्होंने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि जायदाद के चार हिस्से होंगे, काम्या श्वेता अनिकेत और विकास चारों में बराबर का हिस्सा हो। काम्या ने इस बंटवारे को रोकने की एक सच्ची पहल की, इसलिए मैंने भी सोच लिया अगर काम्या अपना अधिकार नहीं भी लेना चाहेगी तो भी मैं उसे उसका अधिकार जरूर दूंगी। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि अनिकेत और विकास मेरे इस फैसले का विरोध जरूर करें, लेकिन अब उनकी वसीयत सामने आने के बाद विकास और अनिकेत के विरोध का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। ये बात आप काम्या को भी बता दीजिएगा। ठीक है, मैं काम्या को बता दूंगी। एक खुशखबरी और है, विकास की शादी तय हो चुकी है, बस अब तारीख का इंतजार है। अच्छा है सुमति, घर की जिम्मेदारियां बहुएं संभाल लेंगी तो तुम्हें भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। हाँ सावित्री, कल तक मैं थकी हुई महसूस नहीं करती थी लेकिन आज हालातों ने मुझे थका कर रख दिया। अगर सच कहूं
घर की उलझनों से मेरा जी भर गया। दिल करता है कि कहीं चली जाऊं ताकि थोड़ा सुकून मिले। सोचती हूँ घर की भौवें आ जाए, अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले, तो कुछ दिनों के लिए मैं भी स्वामी जी के यहाँ चली जाऊंगी। स्वामी जी के आश्रम में जाकर बड़ी शांति मिलती है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ सुमति, कि अगर मन में सुकून ना हो कुल की ज्योति कन्या। तो कहीं भी सुकून नहीं मिलता। खैर जाने दो, पहले तुम बच्चों की शादियां तो कर लो। हमें काम्या और श्वेता की शादी के बारे में भी तो सोचना है, क्या तुमने कुछ सोचा? नहीं, अभी तो नहीं सोचा, लेकिन जिस मुकाम पर मैं काम्या को देखना चाहती थी, भगवान की दया से वो वहां पहुंच चुकी है। ये जिम्मेदारियां भी तो हमें ही निभानी है ना। लड़की की शादी के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, घर कैसा है, खानदान कैसा है, लड़का कैसा है, हमारी बेटी वहां सुखी तो रहेगी। मैं समझती हूँ सुमति, और मेरा सपना भी यही है। देखती हूँ मेरा वो सपना कब साकार होता है। इस सपने को साकार करने के लिए कोशिश भी तो तुम्हें ही करनी होगी ना। मैं प्रार्थना करूंगी काम्या और श्वेता की शादी अच्छे से हो जाए। अब फोन रखती हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। वाह, क्या बात है, क्या बात है यश, इम्प्रूवमेंट है सीधे विकास से सर। वाह, हो गए। मैं ये नहीं भूल सकता विकास, ऑफिस में तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा एम्प्लॉई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर, इंसान को कभी अपना ओहदा नहीं भूलना चाहिए। देख, मेरा ये मानना है यश कि दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने कहा ना, बाहर मिलेंगे तो हम दोस्त होंगे, लेकिन यहां पर यही रिश्ता होगा, बॉस और एक एम्प्लॉई का। ओके ओके मेरे एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा ये बता, तू मुझसे क्यों मिलना चाहता था? ये पिछले महीने का अकाउंट्स मैंने निकाला था, एक फाइल की कॉपी अनिकेत सर के केबिन में रहती है, आप भी देख लीजिए। ठीक है, देख लूंगा। क्या बात है सर, आपको सीरियस लग रहे हैं? हाँ, कुछ बात करनी है तुझसे यश। एक बात बता, अगर ऑफिस में कोई पर्सनल बात करनी है तो कर सकते हैं या उसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा? मैं तुझे दो बात बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि इस ऑफिस के चार हिस्से हो गए, और दूसरी ये कि मैं शादी करने वाला हूँ। और सुनाओ, घर के कुछ हालात बदले या नहीं? जी स्वामी जी, जैसा आपने कहा था वही हुआ। मेरे पति जाने से पहले वसीयत बनाकर गए, जिसका जो अधिकार हो उसे वही मिले।
ईश्वर की यही इच्छा है, पर उनकी इस वसीयत से किसी को आपत्ति तो नहीं है? स्वामी जी, मेरे दोनों बेटों को उनकी वसीयत पसंद नहीं आई। और तुम्हारे मन में क्या? मेरे मन में वही है स्वामी जी जो आपने कहा था। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ कोई अन्याय। तो बस ये समझ लो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, क्योंकि हर सच्चे और अच्छे इंसान के साथ सदैव ईश्वर रहता है। इंसान को अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी जी, एक बात और बतानी थी आपको। मेरा छोटा बेटा विकास, उसकी शादी तय हो रही है। कुल की ज्योति कन्या। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाता तो मेरे बेटे का घर बस जाता। शादी तय हो रही है, ये तो शुभ समाचार। यही ईश्वर की इच्छा है। पर मैं तो ये कहता हूं कि रिश्ते बनाता भी वही है, बिगाड़ता भी वही। यदि रिश्ता हो रहा है, ये शुभ समाचार। स्वामी जी, इसमें कोई रुकावट तो नहीं आएगी ना? तुम्हारे मन में ये शंका पैदा हुई, यही सबसे बड़ी रुकावट। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई है, इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति विश्वास कम है। और जिसके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास कम होता है, उसके काम में रुकावट आने से कोई नहीं रोक सकता। अविलास, अब वो वक्त आ गया है। अगर हमने अपने काम को अंजाम नहीं दिया तो ना जाने कितनी रुकावटें हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी। आपके काम को अंजाम दे देते, लेकिन एक बात बताइए, वो घर तो आपकी बहन का है। हाँ, मेरी बहन का है, मेरी ऐसी बहन जिसके पति ने मुझे ठोकर मारा, मेरी ऐसी बहन जिसके पति ने मेरी वफादारी की कीमत नहीं समझी, मेरी ऐसी बहन जिसके पति की वजह से मुझे अपना बेटा खोना पड़ा। और इसीलिए विलास में सब कुछ कर रहा हूं। ओ, तो आप अपने जीजा जी से बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं? हाँ विलास, वो अपने कर्मों की सजा पाकर ना जाने कहां चुके हैं। लेकिन वापस तो आएंगे, जब वो वापस आएंगे तो मैं उनसे कह सकूंगा कि उनकी वजह से मेरा बेटा मरा। और अब उनकी चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बहन, जिस दिन मेरे जीजा ने मुझे ठोकर मारी, मेरी बहन ने भाई बहन का रिश्ता ही तोड़ दिया। उसने सारे रिश्ते तोड़ के विलास। मेरी बहन को जरा भी ख्याल नहीं है कि मैं उसका भाई हूं।
मेरा बेटा बीमार है। कम से कम वो तो मेरी मदद कर सकते थे। नहीं विलास, नहीं, वो तो अपने पति की वफादार पत्नी थी। लेकिन विलास, सबक मुझे भी सिखाना है। मैं अपने बच्चे की लाश के साथ लिपट कर बहुत रोया हूं, बहुत रोया हूं विलास। अब इन्हें भी रोना पड़ेगा। दामोदर, दामोदर तू जहां भी छुप कर बैठा है, निकेत के बाप की खबर सुनकर ये बाहर आना ही पड़ेगा। और तुझे बाहर लाने के लिए इतना भी जरूरी है विलास, आज की रात तुम इस काम को अंजाम दोगे। और जान रहे हो विलास, काम में सिर्फ और सिर्फ विकास का नाम आना चाहिए, समझे? ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। कुल की ज्योति कन्या। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं ठीक कह रही हूं श्वेता, आखिर उन्हें अपनी भूल का एहसास हो ही क्या, और उन्होंने अपनी भूल को इस तरह से सुधारा, अपनी जायदाद में तुम दोनों को बराबर का हिस्सेदार बनाया है। मुझे भी अनिकेत का फोन आया, उसने मुझे ये तो नहीं बताया कि वसीयत में आखिरकार लिखा क्या है, लेकिन ये जरूर कहा कि वो मुझे वसीयत की एक कॉपी भिजवा देगा। उन्होंने वसीयत को चार हिस्सों में बांटा है और तुम दोनों भी उसमें बराबर की हिस्सेदार हो। मुझे सुमति का फोन आया था। तब तो बात खत्म हो गई मॉम। जब मुझे अनिकेत का फोन आया तो उसकी बातों से मुझे कुछ तो लग रहा था, क्योंकि उसने मुझे ये कहा कि वो मेरे दावे के खिलाफ लड़ाई तो जरूर लड़ता, लेकिन अब बात खत्म हो चुकी है। अब मुझे उसकी बातों का मतलब समझ आ रहा है। अच्छा है कामया बिटिया, अब विकास और अनिकेत कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मामला ये नहीं है काका, मैंने ये दावा इसलिए किया था ताकि इस बंटवारे को रोका जा सके, लेकिन अब वसीयत के सामने आने के बाद इस जायदाद के दो नहीं बल्कि चार हिस्से होंगे, और अब इस बंटवारे को रोका नहीं जा सकता। तुम ठीक कह रही हो काम्या, लेकिन फिलहाल तो सुमति के घर में विकास की शादी की चर्चा चल रही है। विकास की शादी हो रही है ना? वो तुम दोनों की शादी के बारे में भी पूछ रही थी। अब उसे तुम दोनों की भी फिक्र होने लगी, और मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोगों के हाथ जल्द से जल्द पीले कर। मॉम, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो हम श्वेता दीदी के बारे में सोचेंगे। क्यों दीदी? मैं तो चली। कब समझोगे प्रतीक कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? मैं हमेशा तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ और तुम मुझसे दूर रहते हो। क्यों? क्या तुम मेरा प्यार समझ नहीं पाते? वो तो ठीक है मॉम, लेकिन सबसे पहले हम श्वेता दीदी के बारे में सोचेंगे। क्यों दीदी?
में माँ को भी मैं ये बात तभी बता पाऊंगी जब तुम मेरा प्यार समझ जाओ। तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार करना होगा प्रतीक। हाय श्वेता, तुम यहाँ चली आई और मैं वहां निपंसी रोड पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंतजार तो मैंने भी तुम्हारा बहुत किया, मुझे लगा तुम आओगे नहीं, इसलिए मैं घर आ गई। ये तुमने कैसे सोच लिया? हाँ, मुझे आने में थोड़ी देर जरूर हो गई, लेकिन मुझे तो आना ही था। और तुम क्या समझती हो, मुझे तुम्हारी प्यार का एहसास नहीं है? हाँ, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया। और तुम जानना चाहती हो कि मेरे दिल में क्या है ना? आई लव यू श्वेता, आई लव, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो, मुबारक हो, काम हो गया। गोली उसके सीने में लगी है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हेलो हेलो,